ये भी रायपुर से ही मिल रही है, जहां पर गंदे पानी की वजह से पीलिया के शिकार लोगों के लिए राहत तो भरी खबर है। पानी के सैंपल को मेडिकल कॉलेज और पीएचसी ने पास कर दिया है। जो सामान कहा कि छह पानी की टंकियों में क्लोरीन की मात्रा बढ़ाकर गंदे पानी को साफ किया गया। पहले की रिपोर्ट में पानी में बैक्टीरिया मिला था। निगम कमिश्नर ने इस मामले में नोटिस जारी किया था। पानी की सप्लाई के साथ ही सभी घरों में क्लोरीन की गोलियां भी बांटी गई हैं। शुक्रिया मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए, लगातार फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। कोरोना से लड़ने में तो सरकार की एक अच्छी पहली है, 36 में से 28 मरीज ठीक हो गए, लेकिन अब पीलिया से जंग लड़ने के लिए भी सरकार तैयार है। पास कर दिया है मेडिकल कॉलेज ने और पीएचसी ने पानी के सैंपल को। शुक्रिया। अस्पताल है वहाँ पर भी पीलिया मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा और साथ ही पानी के सैंपलों की भी जांच की गई है, तो वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो अब जो पीलिया फैल रहा था उनके लिए राहत की खबर है, उन क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि लगातार जो है गंदा पानी आना और फिर गंदा पानी आने के साथ ही टैंकर भेजे जा रहे थे, टैंकर में भी गंदा पानी आ रहा था। तो इस तरह का आलम जो था वो रायपुर के कई इलाकों में था, क्योंकि वहाँ पर गंदा पानी जो है लगातार सप्लाई हो रहा था। तो अब जो आयुक्त है, निगम कमिश्नर है, उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और उनके गंभीरता से लेने के बाद ही जो है जो पानी की जो पाइपलाइन है उसे बदलने की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हुई और इस तरीके से जो क्लोरीन वगैरह है वो डाली गई है। तो इस तरह से जो निगम कमिश्नर है उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है, आज तक जाके इस पर जो है कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। जी बने रहिए शुक्रिया, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। दूसरी बड़ी खबर रुख करेंगे जो रायपुर से, यहाँ पर पीलिया के मरीजों की संख्या में इजाफा। पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 436 हो गई है। बढ़ती मरीजों की संख्या पर निगम प्रशासन हालांकि जा रहा है, पाइपलाइन बदलने के लिए सड़कें भी खोदी जा रही हैं। तो पीलिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा सुप्रिया हो रहा है, 436 की संख्या अब बढ़कर पहुँच गई है। जी बिल्कुल, पीलिया मरीजों की संख्या में तो लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में फिर पाइपलाइन बदलने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। सड़कों को खोद कर पाइपलाइन बदलना पड़ रहा है और साथ ही जो गंदे पानी थे जहाँ पे कीड़े पनप रहे थे वहाँ पर भी क्लोरीन डालकर उस पानी को शुद्ध किया गया है। और साथ ही जो लोग हैं वहाँ पर, जो इलाके के जितने भी लोग हैं वहाँ पर, हर घर पर जाकर क्लोरीन की दवाइयाँ हैं वो भी बांटी गई है पानी को शुद्ध करने के लिए। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पहले क्लोरीन दवाएं हैं वो नहीं बांटी जा सकती थी यहाँ पर, और इनको सिर्फ यही हिदायत दी जा रही थी कि आप पानी को उबाल कर पीजिए। तो अगर पानी को उबाल कर पीना एक मात्र अगर सोल्यूशन होता तो पीलिया के जो मरीज है वो इसमें ज्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन जो निगम है वो अभी नींद से जागा है। निगम कमिश्नर और महापौर के गंभीर होने के बाद इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि लापरवाही सामने नहीं आई है, लापरवाही लगातार सामने आ रही है और इतनी देर कर दी, जागते जागते अगर पहले ये सब किया जाता तो शायद इतनी संख्या नहीं बढ़ती। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को तुलना करने के लिए।